यूपी के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का निर्देश है कि चिकित्सा व्यवस्था में कोई लापरवाही नहीं बरती जाएगी। वहीं लखनऊ के राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में मरीजों और तीमारदारों को अभी भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मरीजों के परिजनों का आरोप है कि उन्हें बेड मुहैया नहीं करवाए जा रहे। ऐसे में दूर दराज से आने वाले मरीज अव्यवस्थाओं को लेकर खासे परेशान है। वहीं स्वास्थ्य विभाग की सुविधाओं पर भी सवाल निशान खड़े हो रहे हैं। के आपको उधर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल का नज़ारा आपको दिखाना चाहेंगे कि जिस तरीके से राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश से दूर दूर से लोग आते हैं, अपने पीड़ितों को लेकर, अपनी परेशानियों को लेकर उम्मीद ये जताते हैं कि इस हॉस्पिटल में जिस तरीके की सुविधाएं हैं, वो सुविधाएं से कहीं ना कहीं जल्दी उनके मरीज ठीक होते हुए नजर आएंगे। दूसरी तरफ अगर हम बात करें, जिस तरीके से उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का आदेश है कि किसी तरीके से किसी को कोई दिक्कत ना होनी चाहिए, हॉस्पिटल में यदि अगर मरीज पहुंच रहा है तो उसको पूरी व्यवस्था मिलनी चाहिए। अब जिस तरीके से यहाँ की व्यवस्था है, क्या व्यवस्था है, आइए बात करते हैं। कहाँ से आप आए हैं? हम आए हैं लालपुर साइड, हेतमापुर देहात। क्या दिक्कत है आपकी माता जी? उनके कमर में चोट आई मोटरसाइकिल से गिरने के कारण, जो वो भर्ती कराने के लायक हैं, और बोला जा रहा है ये कि आप परसों ओपीडी में दिखाइए आकर के, और हमारे पास बेड नहीं खाली, वरना ये मरीज भगा दीजिए, हम आपका मरीज भर्ती कर लेंगे। सुबह कै बजे के आए हुए हैं आप? हम सुबह 6 बजे से यहाँ पड़े हुए हैं। अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। तो जिस तरीके से अभी आपने देखा कि कितनी दूर दूर से लोग आस लेके आते हैं और उम्मीद करते हैं कि राजधानी लखनऊ है, राजधानी लखनऊ में कहीं ना कहीं पूरी तरह से चिकित्सा और स्वास्थ्य की बात की जा रही है, और लगातार बात की जा रही है कि यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं वो संपूर्ण है। वो नज़ारे आपने अभी स्वयं देख लिए हैं और किस तरीके से लोग यहाँ पर परेशान नजर आ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि आखिर इन लोगों का इलाज किस तरीके से होता हुआ नजर आएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सनोज शर्मा के साथ मैं जय त्रिपाठी, A1 TV लखनऊ।